हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, हर बार की तरह इस बार हाजिर हूँ मैं आपके कम्युनिटी सब्जेक्ट को लेके। आज हम लोग फिर से इसे रीड करेंगे एक नए लेसन में। बच्चों, आज हम लोग फाइव लेसन को रीड करेंगे। फाइव लेसन में है हमारे सहायता करने वाले कौन कौन से लोग होते हैं। बच्चों, आपको याद होगा हम लोग पिछले लेसन में भी सहायता करने वाले लोगों के बारे में पढ़ाई की थी, लेकिन वो घर के अंदर के लोग थे। घर के बाहर वो कौन से लोग हैं जो हमारी सहायता करते हैं, तो आज हम लोग इसे रीड करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप सब भी रीड करिएगा। अवर इम्पोर्टेंट हेल्पर्स, हमारे महत्वपूर्ण सहायता करने वाले। मैनी पीपुल हेल्प अस इन डिफरेंट वेज टू मेक आवर लिव्स इजी एंड कंफर्टेबल। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ देम। बच्चों, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी अलग अलग तरीकों से सहायता करते हैं और हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह पिक्चर देख रहे हैं आप लोग? मोहन इज ए पुलिसमैन। ही वर्क्स इन ए पुलिस स्टेशन। ए पुलिसमैन मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। सम पुलिसमैन कंट्रोल द ट्रैफिक। वी शुड ऑलवेज फॉलो दियर इंस्ट्रक्शन। बच्चों, यह मोहन है। मोहन एक पुलिसमैन है। पुलिस देखा आप लोगों ने? बच्चों, पुलिस स्टेशन में काम करती है। बच्चों, पुलिस क्या काम करती है? यह नियमों और कानून को बनाए रखती है और कभी-कभी तो सड़कों पर कहीं-कहीं जब ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, बहुत सारी गाड़ियाँ इकट्ठा हो जाती हैं, तो वहाँ पर भी वो लोग उसका ध्यान रखते हैं और एक एक करके गाड़ियों को जाने देते हैं। हमें इनके द्वारा बताए गए निर्देशों को मानना चाहिए, इनकी बात माननी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। गोपाल इज ए पोस्टमैन। ही वर्क्स इन ए पोस्ट ऑफिस। द प्लेस फ्रॉम वेयर वी बाय लेटर्स स्टाम्प्स एंड पोस्ट कार्ड्स ETC इज द पोस्ट ऑफिस। बच्चों, इनको देखिए, इनका नाम है गोपाल। गोपाल कौन है? एक पोस्टमैन है। पोस्टमैन मीन्स डाकिया, जो हमारे चिट्ठी और सामान को, पार्सल्स को लाता है। बच्चों, यह कहाँ काम करते हैं? यह पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। पोस्ट ऑफिस को हिंदी में डाकघर भी कहते हैं। बच्चों, यह हमारे चिट्ठियों को, स्टाम्प्स को और बहुत सारे पोस्ट कार्ड को लाते हैं। और चलते हैं हम लोग अगले व्यक्ति की तरफ जो हमारी सहायता करता है। नंदू इज ए शॉप कीपर। ही हैज ए शॉप इन द मार्केट। द प्लेस वेयर वी बाय थिंग्स ऑफ डेली नीड्स इज कॉल्ड ए मार्केट। देयर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट। वी गेट फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्लॉथ्स मेडिसिन्स ETC फ्रॉम द मार्केट। बच्चों, यह अगली तस्वीर एक दुकान की है और इसमें एक दुकानदार है। वो कौन है? नंदू है। इस दुकानदार का नाम नंदू है। बच्चों, इस पैराग्राफ में यह कह रहा है कि नंदू एक दुकानदार है और उसका एक शॉप है। कहाँ पर? मार्केट में। मार्केट मीन्स बाजार। बच्चों, बाजार किसे कहते हैं? बच्चों, हम लोग प्रतिदिन जितनी भी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, जैसे नमक, साबुन,
और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की, वो कहाँ मिलती हैं? मार्केट में, जहाँ पे ये सभी चीज़ें मिलती हैं उसे मार्केट कहते हैं। मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं जहाँ से हमें फ्रूट्स यानी फल, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ, क्लोथ्स यानी कपड़े, मेडिसिन्स यानी दवाएं मिलती हैं। तो बच्चों चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तीसरे नंबर पर, अजय इज ए डॉक्टर, ही वर्क्स इन ए हॉस्पिटल, ए पर्सन हु ट्रीट्स सिक पीपल इज कॉल्ड ए डॉक्टर, ही गिव्स अस मेडिसिन, ए नर्स हेल्प हिम। बच्चों जो तीसरे नंबर पर हैं, जो बाहर रहते हैं और हमारी सहायता करते हैं, वो कौन है? डॉक्टर। इनका क्या नाम है? अजय। अजय एक डॉक्टर है। बच्चों यह हॉस्पिटल में काम करते हैं। डॉक्टर किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? वह व्यक्ति जो बीमार लोगों को दवा देता है और उनको ठीक करता है उसे डॉक्टर कहते हैं। वह हमें दवाएं देता है और इनके साथ एक नर्स भी होती है। जिससे चौथे नंबर पर यह कौन है? चलिए इनके बारे में रीड करते हैं। जॉनी इज ए फायर फाइटर, ही ड्राइव्स ए फायर इंजन, ही वर्क्स इन द फायर स्टेशन, ही पुट्स आउट फायर। बच्चों फोर्थ नंबर पर जॉनी है। जॉनी एक फायर फाइटर है और यह फायर स्टेशन में काम करता है। बच्चों फायर मीन्स क्या होता है? आग। कभी कभी आग दुकानों में घरों में लग जाती है तो फायर स्टेशन में कॉल किया जाता है। वहाँ से अजय और जॉनी जैसे लोग आते हैं और अपने साथ एक फायर इंजन भी लेकर आते हैं और आग को बाहर निकालते हैं या बुझा देते हैं। बच्चों इन सब के अलावा भी बहुत सारे हमारे हेल्पर्स होते हैं, तो चलिए देखते हैं वो कौन से हैं। द पर्सन हु मेल्ट्स अवर शूज इज कॉल्ड ए कॉबलर। बच्चों वह व्यक्ति जो हमारे जूतों को सिलता है और पॉलिश करता है उसे क्या कहते हैं? कॉबलर। कॉबलर मीन्स मोची। बच्चों यह जूतों को, चप्पलों को और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को रिपेयर करता है, इसे कॉबलर कहते हैं। कॉबलर मीन्स मोची। नेक्स्ट है, द पर्सन हु ग्रोज फूड ग्रेन्स इज कॉल्ड ए फार्मर। बच्चों जो व्यक्ति अनाज को, फसलों को उगाता है उसे फार्मर कहते हैं। फार्मर मीन्स किसान। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ए पर्सन हु मेंड्स लीकिंग पाइप एंड टैप्स इज कॉल्ड ए प्लम्बर। बच्चों वह व्यक्ति जो नल को ठीक करता है और पाइप्स को रिपेयर करता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्लम्बर कहते हैं। प्लम्बर मीन्स पानी वाली मशीन को बनाने वाला या मिस्त्री भी कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर, द पर्सन हु स्टिचेज क्लोथ इज कॉल्ड ए टेलर। बच्चों यह क्या है? क्लोथ्स। बच्चों जो अगला व्यक्ति है जो हमारी सहायता करता है और बाहर रहता है वो कौन है? टेलर। टेलर मीन्स दर्जी। आप लोग तो पता ही होगा कि दर्जी क्या करता है? हमारे कपड़ों को साफ करता है? नहीं, हमारे कपड़ों को सिलाई करता है और उन्हें प्रेस करता है। देखा बच्चों,
कितने ढेर सारे लोग हमारी सहायता करते हैं। कौन कौन? मोहन जो कि पुलिसमैन है, और गोपाल जो कि पोस्टमैन है, और नंदू जिसकी दुकान है मार्केट में, और अजय जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर है, और जॉनी जो कि आग बुझाता है, और कोबलर जो हमारे जूतों को सिलता है, और फार्मर जो फसलों को उगाता है। फसल मीन्स जैसे धान गेहूँ, ये सभी क्या है? फसल है, उसे फार्मर कहते हैं। फार्मर मीन्स किसान, जो हमारे लीक करने वाले पाइप्स को या नल को बनाता है उसे प्लम्बर कहते हैं। जो हमारे कपड़ों को सिलता है और उन्हें प्रेस करता है उसे टेलर कहते हैं। शाबाश बच्चों, तो ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से रीड करिए और अपना ध्यान रखिए। आता हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो की हिंदी डबिंग के साथ। तो चलते हैं बच्चों, बाय बाय।